गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। कहा कि हम कैलेंडर कर रहे थे। यस मैम। कंटिन्यू करते हैं हम भाई टॉपिक। कहाँ तक कर लिया था हमने? बच्चे कंटिन्यू करते हैं। कैलेंडर, इसमें हम आए थे किसी भी ईयर के कौन कौन से मंथ्स सेम रहते हैं। किसी भी ईयर का कैलेंडर आप देख लेना, चाहे 2022 या फिर आपकी जो भी आपके आगे आए वही कैलेंडर आप देख लेना। किसी भी मंथ में अप्रैल जुलाई के इक्वल होगा। किसी भी ईयर में मार्च इक्वल होगा नवंबर के, और सितंबर इक्वल होगा किसके? दिसंबर के। बच्चे अगर फर्स्ट अप्रैल को, किसी भी ईयर की फर्स्ट अप्रैल को अगर मंडे है तो फर्स्ट जुलाई को कौन सा डे होगा? मंडे। ठीक है, किसी भी ईयर में अप्रैल का जो कैलेंडर होगा वो जुलाई के कैलेंडर के बराबर होगा, मार्च का कैलेंडर नवंबर के बराबर होगा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के बराबर होगा। समझ आया? यस यस मैम। इनका कैलेंडर हमेशा एक जैसा चलता है, चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो या फिर लीप ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप याद रखोगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर 5 मार्च को संडे था तो 5 नवंबर को कौन सा दिन होगा, आप क्या जवाब दोगे? संडे, सेम डे होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
ये तो थी बेटा मंथ की बात कि जो मंथ इक्वल होते हैं, लेकिन अब हम आ जाते हैं ईयर पे। जिस तरीके से मंथ के कैलेंडर इक्वल होते हैं उसी तरीके से कोई ना कोई ईयर का कैलेंडर भी इक्वल होगा। किस ईयर का कैलेंडर किस ईयर से ए इक्वल होगा वो पता करते हैं। मान लो मैं कोई क्वेश्चन लिखती हूँ आपके लिए, विच अपकमिंग ईयर विल बी सेम लाइक, मान लो 1993 ले लेते हैं, कौन सा अपकमिंग ईयर होगा जिसका कैलेंडर 1993 के कैलेंडर जैसा ही होगा। कैसे पता करेंगे आओ देखते हैं। किसी भी ईयर का हमें पता करना है तो हम उस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग द ईयर बाय 4। उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 1993 दे रखा है, 1993 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4, हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। इन केसेस में बेटा रिमाइंडर हमारा क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 या फिर 3। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या इनके अलावा कोई भी और रिमाइंडर बच सकता है? बिल्कुल नहीं बच सकता। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 या 4 से ज्यादा रिमाइंडर तो बच ही नहीं सकता, ठीक है। या तो 0, 1, 2 या फिर 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 6। सॉरी, अगर 0 बचता है तो हम ऐड कर देंगे 28, 1 बचता है तो ऐड कर देंगे 6, 2 बचता है तो ऐड कर देंगे 11, और 3 बचता है तो हम ऐड करेंगे 11, ठीक है। अब देखते हैं 1993 में क्या आता है। 1993 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? मैम 2 रिमाइंडर आएगा। मैम 2 रिमाइंडर 2 आएगा। मैम जब 1993 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मैम, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट्स को कर लेते हैं, इनफ है। पूरा डिवाइड करें या लास्ट की लास्ट 2 डिजिट्स लें, एक ही बात है। फोर टू जा 8, फोर थ्री जा 12, कितना रिमाइंडर आया? वन। पता चला, अब वन रिमाइंडर था तो बच्चे हम क्या करेंगे, 1993 में वन रिमाइंडर आने पे क्या करना है, हमने ऐड करने हैं 6, प्लस कर देंगे 6, तो क्या आ गया 1999। यानी 1999 का कैलेंडर बिल्कुल 1993 के जैसा ही होगा। क्लियर है? यस मैम। काय मीनू करके देख लेते हैं। अगर हम नाइन अन्नू का कर गई थी, अन्नू का करते का देख लेते हैं। 1994 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 2। अगर 2 बचेगा तो हम ऐड करेंगे इसमें 11। 11 ऐड करने से क्या आएगा, 2005, ठीक है। यानी 2005 का कैलेंडर 1994 के बराबर है। अगर यही 1995 देखे तो रिमाइंडर आएगा 3। जब रिमाइंडर 3 आएगा तो हम प्लस करेंगे 11 और वो इक्वल आ जाएगा 2006 के। क्लियर है? Yes, ma'am. इसके बाद अब एक लीप ईयर देख लेते हैं। 1996 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0।
सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी लीप ईयर को आप फोर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो। अगर लीप ईयर है तो आपको रिमाइंडर निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, रिमाइंडर जीरो आएगा, उसमें सीधा सीधा ऐड कर देना 28। इसमें जब आप 28 ऐड करोगे तो आएगा 2024, यानी 1996 का कैलेंडर 2024 के कैलेंडर के इक्वल होगा। आई बात समझ में? इक्वल होने का मतलब है 1996 में जिस डेट को जो भी डे आएगा 2024 में उसी डेट को वही डे पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इसका कैलेंडर जो सेम आ रहा है वो भी ऑर्डिनरी पे, ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर के ही सेम आएगा, और जबकि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के ही इक्वल आएगा। क्लियर है बात? यस मैम। एक क्वेश्चन अब करो आप, मुझे बताओ अभी चल रहा है 2022, तो बताओ 2022 का कैलेंडर किसके सेम आएगा, जल्दी। हम दोबारा क्वेश्चन बोलना है इनका। अभी ईयर चल रहा है 2022, तो आपको बताना है 2022 का कैलेंडर आने वाले ईयर्स में कौन से ईयर के इक्वल होगा। ओके मैम। 33 के। बाकी सब मैम 23 कैसे आएगा बच्चे? मैम 33 आएगा। 22 को आप जब डिवाइड करोगे 4 से तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। 2 का मतलब है, 2 रिमाइंडर बचने का मतलब है आपको कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो 2022 में जब आप 11 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2033। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब हम आगे चलते हैं बच्चे। आप फॉर्म वगैरह जब भी फिल करते होगे कभी कभार आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आता होगा, आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आता होगा जिसमें आपको आपकी एज फिल करनी पड़ती होगी। मान लो आपको किसी फॉर्म में बोल दिया जाता है 1st of August 2022 को आप अपनी एज फाइनल बताइए, यानी आपकी एज आप कितने इयर्स के हो, कितने मंथ्स प्लस कितने डेज, करनी पड़ती है। यस मैम। यस मैम। ओके, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हो आप, या तो फिंगर्स पे काउंट करते हो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो, लिख के देखते हो आप कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हो, सबसे पहले देखते हो आप कितने इयर्स के हो, फिर मंथ्स, उसके बाद डेज, काफी टिपिकल हो जाता होगा आपके लिए ये सब कैलकुलेट करना। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिससे आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1995, ठीक है। हमें बताना है कि 10th मार्च
2016 को उसकी कितनी एज होगी, ईयर मंथ्स और डेज में? सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, 1995 बड़ा है या 2006, पहले तो ये बताओ। 2016 तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2016 ईयर लिख लिया, फिर हम लिखेंगे मंथ, उसके बाद हम लिखेंगे डे। मंथ कौन सा है? मार्च, यानी थर्ड मंथ। उसके बाद डे कौन सा? 10। ठीक है, नीचे हम डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, 2016 के नीचे लिखेंगे 1995। मंथ कौन सा है? मार्च, और डे 30। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, ये देखो बच्चे, अब 10 में से 30 सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, अब हमें बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने के लिए गए हम मंथ के पास, डी गया मंथ के पास बोरो करने के लिए। अब उसके पास डेज तो है नहीं, उसके पास किस फॉर्मेट में है? मंथ के फॉर्मेट में। तो इसने, इसके पास 3 मंथ थे, अब 2 मंथ रह जाएंगे, इसने 1 मंथ इसको दे दिया। अब इसने इसको मंथ दिया है तो ये उसको डे में कन्वर्ट करेगा। 1 मंथ मतलब 30 डेज, तो ये ऐड कर लेगा 30 डेज। 30 प्लस 10 40, अब 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है इतना? यस मैम। अब आगे चलते हैं, अब 2 मंथ में से 3 मंथ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही मंथ जाएगा ईयर के पास। ईयर क्या करेगा? वो 1 दे देगा, उसने क्या दिया है? 1 ईयर मतलब 12 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 11 मंथ। अब हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2015 में से 1995 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो अब उसकी एज कितनी होगी? I'm 20 years, 11 months and 10 days. 20 years, 11 months and 10 days. Clear है? Yes ma'am. Yes ma'am. चलो अब आप करोगे एक क्वेश्चन और मुझे आंसर बताओगे। चलो यही डेट ऑफ बर्थ यही ले लेते हैं, 30 मार्च 1995, और इसकी आप एज निकालोगे आज की डेट में। आज की डेट यानी कि 30 मई 2022। जल्दी सॉल्व करो। चलो फिर करके देख लेते हैं। 2022 मई यानी कि 5, डे 30, 1995 थर्ड मंथ, और ये भी 30। तो यहाँ पे 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 डेज। अब देखते हैं मंथ कितने बनेंगे, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मंथ्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 27, यानी 27 इयर्स 2 मंथ एंड 0 डेज। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आगे चलते हैं। बेटा किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, जिनको हम अगर कन्वर्ट करें तो 52 वीक प्लस 1 डे, यानी कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1 डे, यानी 1 या तो एक्स्ट्रा डे बोल दो या फिर और डे भी बोल सकते हो।
ठीक है, लेकिन वही अगर हम लीप ईयर की बात करें 52 होता है, इसको हम 52 वीक प्लस 2 डेज, ठीक है, लीप ईयर में हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, इस बात का तो तुम्हें पता ही होगा। ये तो थी वन ईयर की बात, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 ईयर्स में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे, 50 ईयर्स में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे, 100 ईयर्स में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे, तो 100 तो खैर सेंचुरी पे आ गया, अगर 10, 20, 50, 70, 80 ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तब आप कैसे सोल्व करोगे। देखो मान लो पूछ लो 50 ईयर्स, कैसे करेंगे 50 इयर्स में, पहले तो सीधी सी बात है एक एक दिन तो यानी 50 डेज तो एक्स्ट्रा है ही है, 50 इयर्स है सभी के सभी अगर ऑर्डिनरी डेज के अकॉर्डिंग भी सब में एक दिन तो एक्स्ट्रा है ही, लेकिन जो लीप इयर्स थे उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा थे, यानी एक एक दिन लीप ईयर का जो हमने अभी भी हमारा अभी भी रह गया है उसके लिए हमें पता करना होगा 50 में से कितने इयर्स लीप ईयर्स थे। तो 50 को हम क्या करेंगे, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा इस केस में बेटा, हम रिमाइंडर को नहीं देखेंगे, यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कितना आया 12, यानी 12 इयर्स लीप ईयर थे। अब वो 12 इयर्स के ऑर्डिनरी डे के अकॉर्डिंग 1-1 ईयर तो ऐड कर चुके हैं हम, एक एक दिन लीप ईयर का भी हमने ऐड कर दिया, यानी 50 प्लस 12 टोटल डेज कितने एक्स्ट्रा हो गए 62। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आएगा एक्स्ट्रा डेज, 7 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो 50 सालों में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे 6, क्लियर है? Yes, ma'am. एक और कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो था 50 का, अगर 30 का निकालना हो तो सीधी सी बात है सबसे पहले 30 डेज तो एक्स्ट्रा होंगे ही, पर ईयर 1 डे, 30 इयर्स है तो 30 डेज तो है ही। अब हम पता करते हैं कि 30 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 7, इसमें फिर 7 ऐड कर देंगे, यानी 37, और 37 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 2, तो 30 इयर्स में 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे, क्लियर है? तो अब आप करोगे, आप मुझे बताओगे 10 इयर्स में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे, जल्दी से करो। मैम 5 डेज मैम 5 आ गया सबका 5? यस मैम। ठीक है चलो अच्छी बात है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये तो थी ईयर की बात, अब हम आ जाते हैं सेंचुरी पे, यानी 100 सालों में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे, 200 सालों में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे, या फिर अगर पूछ ले आपसे 2000 में कितने होंगे, ठीक है, तो उसका आंसर कैसे देंगे आप? देखो बेटा पहले बात करते हैं 100 इयर्स की, हंड्रेड इयर्स में 100 डेज तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, ये सिंपल सी बात, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद देखते हैं 100 इयर्स में लीप इयर्स कितने होंगे, 100 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आ जाएंगे हमारे पास 25। अब हम यहाँ पे
25 ऐड डायरेक्ट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? एक बात बताओ, 100th ईयर यानी 100वां साल, क्या 100 लीप ईयर है? कोई जवाब दो मुझे, क्या 100 लीप ईयर है? Yes, ma'am. बेटा 100 सेंचुरी है. लीप सेंचुरी, लीप ईयर का पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब सेंचुरी की बात आ जाती है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आप भूल गए, जब हम सेंचुरी देखते हैं तो हम 100 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करते हैं. याद आया कुछ? जब हम 100 को 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा. तो 100 जो है लीप सेंचुरी नहीं है, ये लीप सेंचुरी नहीं है, और इसने लीप ईयर के रूप में 100 को भी इसमें ऐड कर लिया है, इसीलिए उस 100 के नाम का हम 1 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल लीप ईयर्स आ जाएंगे 24. इस 24 को जब हम 100 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 124. अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पता करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 5. तो यानी 100 ईयर्स में यानी फर्स्ट सेंचुरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 5. अब आगे आते हैं, ये तो पहले 100 ईयर्स की बात हो गई, 100 ईयर्स में 5 डेज एक्स्ट्रा होते हैं. अब 200 पे देख लेते हैं, पहले 100 ईयर्स में 5 और दूसरे 100 ईयर्स में भी 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 10. यहाँ से 7 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी या फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, एक ही बात है. कितना आ जाएगा? 3. यानी 200 डेज में जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो होंगे 3. इसके बाद हम आते हैं 300 पे. 300 पहले 100 ईयर में 5 थे, दूसरे में 5 मल्टीप्लाई 2, तो तीसरे में 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15. अब डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1. अब हम आते हैं 400 पे. जब 400 की बात करेंगे तो सीधा सा, पहले तो 5 मल्टीप्लाई 4 20. इसमें हम एक ईयर लीप वाला ऐड करेंगे. क्यों करेंगे? देखो बच्चे, 100 लीप सेंचुरी नहीं थी इसलिए हमने वो पहले ही सबट्रैक्ट कर दिया. 200 भी लीप सेंचुरी नहीं थी, ऑलरेडी सबट्रैक्ट था ही, हमने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा. 300 भी लीप सेंचुरी नहीं थी. इसके बाद 400 तो लीप सेंचुरी है, 400 से डिवाइड हो जाएगी पूरी. तो 400 जब लीप सेंचुरी है तो ये जो हमने सबट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे ऐड कर दिया. आ रहा है समझ, ये ऐड क्यों किया? 20 में जब ऐड करेंगे तो 21 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0. एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, लीप सेंचुरी हो या लीप ईयर हो, आप 4 या 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा. जब आप लीप सेंचुरी को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा. अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है. क्लियर है? अब ये देखो, आप जब 100 इयर्स की बात होती है तो एक्स्ट्रा डेज 5 आते हैं, 200 इयर्स की बात होती है तो एक्स्ट्रा डेज 3 आए, 300 इयर्स की बात हुई तो एक्स्ट्रा डेज 1 आए, और जब 400 की बात हुई तो एक्स्ट्रा डे कितने आए? 0. ये चीज आप नोट कर लो पहले तो अपनी नोटबुक में. कर लिया नोट? यस मैम. बेटा मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप रीजॉइन कर लेना सब. ओके मैम. आगे चलते हैं. अब इसी से रिलेटेड आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया,
स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें बताया गया था कि इस डेट को ये डे पड़ता है, तो आपको दूसरी डेट दे दी थी कि इस डेट को कौन सा डे पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई डेट दे ही नहीं, कोई डे ही ना दे, सीधा क्वेश्चन बोल दिया आपको कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे है, सिर्फ सीधा सा यही क्वेश्चन है, सिंपल, आप कैसे सोल्व करोगे। देखो बच्चों, 1950 यानी 1949 ईयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 1950 तो अभी कंटिन्यू है, तो हम 1949 को लेंगे। 1949 में सबसे पहले देखेंगे 1600 सेंचुरी आई होगी, लीप सेंचुरी लास्ट गई होगी, बताओ कोई। यस मैम, यस मैम, 1600 गई होगी, उसके बाद 300 इयर्स प्लस 49 इयर्स, क्या मैं लिख सकती हूँ इसको ये? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1949 को? यस मैम। ओके, तो अब देखो बच्चे, yes, हमने यहाँ लीप सेंचुरी ही क्यों ली, क्योंकि हमने ऊपर देखा था जब भी लीप सेंचुरी आएगी तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, यानी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डे नहीं होगा पीछे तक का। क्लियर है ये बात? अब जब 300 इयर्स है, 300 इयर्स की बात है, तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डेज थे? 1 प्लस 49 इयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे ये हमें निकालना आता है। 49 प्लस 49 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 12 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे 61, फिर 7 से डिवाइड करेंगे और हमारे जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो आ गए 5। तो यानी 49 इयर्स में कितने डेज एक्स्ट्रा होंगे? 5। अब 1949 तक टोटल 6 डेज थे जो हमारे एक्स्ट्रा थे। ये तो हो गई 31 दिसंबर 1949 तक की बात, लेकिन अभी हमारे पास जनवरी के 26 डेज बचे हुए हैं। इन्होंने हमसे 26 जनवरी का पूछा है, 6 डेज तो हमारे पास है ही ऑलरेडी एक्स्ट्रा, प्लस 26 जनवरी तक कितने डेज एक्स्ट्रा है हमारे पास? पांच दिन एक्स्ट्रा है, 26 डेज हो गए ना। 26 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा, तो यानी जनवरी में 26 तक हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा है। अब उन 5 दिनों को और ये 6 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास थे, इन 6 दिनों में ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया 11। 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी का अपना अपना नंबर होता है। संडे को 0 बोलेंगे, 1, 2, वेडनेसडे रह गया बीच में, 3, 4, 5, 6। अब 4 जो हमारा रिमाइंडर आया था, 4th पे कौन सा डे आ रहा है? थर्सडे। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया थर्सडे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? थर्सडे। समझ आया? यस मैम। तो अब एक क्वेश्चन आप करके बताओगे मुझे आंसर क्या होगा। July 29, 2019 को कौन सा डे था ये बताओ मुझे।
हुआ बेटा सॉल्व? चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को. टू थाउजेंड नाइनटीन की बात हो रही है, यानी 2019 तो अब करंट में चल रहा है. कितने साल जा चुके हैं? 2018 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो हम 2018 का निकाल लेते हैं पहले. कौन सी सेंचुरी, लीप सेंचुरी कौन सी गई होगी अभी?